गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैंने जिस जगह पर रुका हुआ था फिरिक ट्रैकिंग पॉइंट में, तो यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, मेरे ट्रेन का फोन का व्यू दिखाते हैं आपको। ये है दोस्तों मेरे ट्रेन से फोन, पूरा सामने पहाड़। हवा बहुत ही तेज है दोस्तों, बात नहीं कर सकते, देखिए कुछ भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, इन पहाड़ों के बीच हम लोग चार लोग और कोई भी है नहीं यहाँ पे। और देखिए सामने कितना खूबसूरत लग रहा है इन वादियों के बीच। अभी तक सूरज निकला नहीं है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब सूरज इन पहाड़ों के ऊपर से निकलेगा, तो देखते रहिए आप लोग। सामने यहाँ पे देखिए बादल छाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर से धीरे धीरे से सूरज की रोशनी आ रहा है और धीरे धीरे पूरा सूरज ही निकल जाएगा, फिर हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। तो आगे कुछ ऐसा है, इसी जगह पे हम लोग कल रुके थे। सूरज निकल चुका है और हम लोग भी धीरे धीरे ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं जहाँ से हम लोग ट्रैकिंग शुरू करते हैं। हाय, अभी हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकल चुके हैं। तो ये मेरे ब्रो है पीछे और ये दोनों मेरे दोस्त हैं बिग ब्रो, तो हम चारों अभी निकल चुके हैं ट्रैकिंग के लिए, तो रिक पिक में, तो अभी देखते रहिए। दोस्तों ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, पत्थर का बनाया हुआ है ये,
इसके नीचे से जाना पड़ेगा। ऐसा है, हम लोगों से पहले कोई लोग रात को वहाँ पे कैंपिंग किया था, वो लोग भी अभी नीचे उतर रहे। हम लोग भी मिला उन लोगों से, बातचीत किया कैसा लगा, फिर वो लोग निकल रहे अभी जाने के लिए। फिर हम लोग ऊपर चढ़ रहे ट्रैकिंग करते करते, देखते हैं आगे का नज़ारा कैसा होता है। और अभी तक तो थोड़ा ट्रैकिंग करके आया है, फिर मिलते हैं आगे। देखो यहाँ से नजारा, हम लोग सुबह उस इस जगह पे था दोस्तों। तो अभी हम लोग चलो उठेगा, चलो चलो। तो अभी ऐसे करके चढ़ना पड़ेगा ट्रैकिंग ऊपर तक। बिली कोई सलाह है जानवर ने खूब फेफा है। Excuse me. दोस्तों वो जो पहाड़ दिख रहे हैं, हम लोग उस वहाँ पे जाएंगे, तो ऐसे करके जाना होगा। दिखते रहिए, ये जो देख रहे हैं छोटा छोटा घर, यही है मिजोरम का आइजल। दोस्तों मैं धीरे धीरे नीचे तक उतर रहा हूँ, तो ऐसे नीचे उतरना पड़ता है। तो ऐसा है यहाँ का व्यू। दोस्तों 4x4 कार होने से आप लोग यहाँ तक ला सकते हैं। हम लोग का पास भी है दोस्तों 4x4, लेकिन हम लोग को इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना ब्रो, इतना ऊपर तक लाने में थोड़ा घबरा रहा है।
क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इतना आसान रोड नहीं है और आप लोग देख सकते हैं कैसा रोड है। तो यहाँ पे गाड़ी लेके आना भी इतना इजी प्रोसेस नहीं है। तो हम लोगों ने नहीं लाया, नीचे ही रोक दिया गाड़ी को, और कोई कोई लोग ऊपर तक लेके आ रहा है गाड़ी। अच्छा है, हम लोगों का एक्सपीरियंस है तो ला सकते हैं। इतना हाइट पे गाड़ी उठाना, बाप रे क्या बोलूँ आप लोगों को। तो देखते रहिए, हम लोग नीचे उतर रहे हैं अभी। भैया आपका नाम? विलियम। विलियम, ये भैया आप आइजल से? हाँ, आइजल से। आइजल से है ना, तो आप यहाँ तक गाड़ी खींच के लाया, मान गया आपको। ये गाड़ी ब्रेजा का देखिए, हम लोग का जिप्सी है 4x4, फिर भी नहीं ला पाया। क्या बोल बताऊँ आप लोग को यार, कसम से मान गया। यहाँ से देखिए ना, ये कितना ऊपर है भाई, बता ही नहीं सकता हूँ। ब्रो वैसे इस पिक का हाइट कितना होगा? पता नहीं, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है ये यार। भैया बोल रहे हैं बहुत ऊपर है यार, दिखाते हैं हम उसी रास्ते से। नीचे उतरने वाले हैं अभी ट्रैक करके, तो फिर दिखाते हैं कौन सा रूट से वो ये गाड़ी ऊपर तक लाया। ये है मारुति सुजुकी का ब्रेजा, लेकिन इसका ताकत मान गया, बहुत खींच सकते हैं ऊपर तक। अभी हम लोग ट्रैकिंग करके नीचे उतर रहे, तो यहाँ से आइजल पूरा देख जाता है, आइजल सिटी पूरा का पूरा देख जाता है। ये है आइजल सिटी, और हम लोग नीचे उतर रहे, फिर मिलते हैं गाड़ी के पास आप लोगों को। सा खराब रोड है, जिस रोड से उस भैया ने गाड़ी लेके गया ऊपर तक, क्या बोलो। अभी तो हम लोग नीचे उतरे, लेकिन यहाँ से गाड़ी ऐसे लेके गया, इतना ऑफ रोड है, क्या बोलो आप लोगों को। ये इतना खराब रोड है ना, जिस रोड से गाड़ी ऊपर चढ़ रहा है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं होने से तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कैमरा में इतना पता नहीं चलेगा आप लोगों को, लेकिन जब आते हैं ना, हवा टाइट हो जाता है दोस्तों, और यहाँ से गिरेगा तो पूरा खाई में जाएगा। हम लोग जिस रोड से आया था उस रोड से अभी नहीं आ रहे, जिस रोड से गाड़ी चढ़ता है ऊपर तक उस रोड से आ रहे। ये रास्ता बारिश गिरने से इतना स्लिपी हो जाता है ना, फिर बहुत प्रॉब्लम होता है आगे। फुकुबा भी नहीं है, ये तो अभी गुड फ्राइडे आसे माने। फाइनली दोस्तों, हम लोग अपने कार के पास आ गए ट्रैकिंग करते करते, तो अभी नीचे चलते हैं और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, वो दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे नहीं है सेट, भैया को पूछना पड़ेगा, उसके बताते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग नेक्स्ट प्लेस कहाँ जा रहे हैं, और वो प्लेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब जानने के लिए बहुत लोगों को पता ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट का, और जिसको जिसको पता है वो लोग तो जा चुका है, देख चुका है। फिर आप लोग को भी वो नया प्लेस दिखाते हैं, और चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों। अभी हम लोग
दोपहर का टाइम है, अभी हम लोग नहाने के लिए आ रहे हैं नीचे एक वाटरफॉल में, और खाना भी यहीं पे खाएंगे। खाना पीना खा के फिर आइजल की तरफ निकलते हैं, फिर कल शायद मणिपुर के लिए निकलेंगे, आज आइजल में ही रुकेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ऐसा है, तो इसके नीचे हम लोग नहा के खाना पीना यहीं पे खाएंगे, तो देखते रहिए दोस्तों। आज इस जगह पे खाना खाएंगे,